ओके बोलो। नहीं, किसी को नहीं पता जनरल लीन क्या है और पर्टिकुलर लीन क्या है। नहीं, देखो मत, बुक मत पलटो, अभी किताब कॉपी मत पढ़ो। बताइए, पढ़ाया था लियन क्या है, पहले ये बताइए व्हाट इज लियन। ऑल टीचर्स ऑल फैकल्टीज हैव अ वेरी बिग होप विथ बीकॉम स्टूडेंट्स, बीट बीकॉम फिफ्थ, बीट बीकॉम सेकेंड ईयर सेम, एंड जो अभी आए हैं उनको तो मिले नहीं हम लोग, लेकिन आप दोनों का काफी अच्छा रेप्यूटेशन है, तो प्लीज मेंटेन दिस रेप्यूटेशन। मैम, जब जब हम लोग सेलर गुड्स भेजता है अपना बायर को, जब तक वो पेमेंट नहीं करता है बायर हम लोग को, तब तब हम लोग अपना मतलब पोजेशन ऑफ गुड्स वापस ले सकते हैं, मतलब जो गुड्स उसको सेंड किए हैं वो वापस ले सकते हैं हम लोग। सिंपल लियन क्या हो, सिंपल लियन टर्म समझो पहले। लियन क्या होता है, सिंपल टर्म लियन क्या है, पहले इसको समझो, फिर सेल्स के टैक्स के सेंस में, फिर सेलर के राइट के सेंस में हम समझेंगे, पर पहले लियन समझ लेना है ना, जरूरी है कि क्या, पहले लियन समझना। देखो वेकेशन का मतलब पता होगा तो हम समझ लेंगे विंटर वेकेशन क्या है, समर वेकेशन क्या है, उसके बाद अगर कोई फेस्टिवल वेकेशन दिया जाता है तो वो क्या है, ये सब समझ लेंगे, ठीक है ना। पहले हमको वेकेशन समझना पड़ेगा, पहले हमको टर्म समझना है। तो लीन क्या होता है, पहले लीन क्या है ये बता दो, फिर हम जनरल लीन समझाएंगे, फिर हम पर्टिकुलर लीन समझाएंगे, और फिर हम सेलर का जो राइट ऑफ लीन होता है वो भी समझा देंगे। मैम, लिए एक टाइप का क्लेम होता है किसी थिंग पे, कुछ किसी चीज पे क्लेम होता है, और कोई महिमा आपने लास्ट क्लास में ही पूछा था, बताइए। यस मैम, लियेन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कोई भी सेलर किसी बायर को गुड्स ट्रांसफर करता है, देन उस पेमेंट बायर पेमेंट नहीं करता उसको टाइमली, तो बायर के पास सॉरी सेलर के पास पोसेशन मतलब राइट होता है कि वो उसका पोसेशन छीन ले या फिर कैंसिल कर दे वहीं पे ठीक उस गुड का पोसेशन। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है महिमा समझने में, आप नहीं ठीक से समझे और श्रेयस तुम भी नहीं समझे। लियन का मतलब मैंने कितनी बार बताया है, एकदम एग्जाम्पल देती हूँ ताकि तुम्हें याद रह सके, क्योंकि कहानियां हमारे घर में दिमाग में ज्यादा लंबा रुकती है, पढ़ाई लिखाई की चीजें खत्म हो जाती है। मैंने आपको रेस्टोरेंट, अपने भाई, मोबाइल, लियन, समझ में आया, या यानी कि नहीं, वो प्लेज का एग्जाम्पल था, सॉरी, लियन का एग्जाम्पल होता है। लियन मतलब कि तुमने किसी का काम किया, ठीक है श्रेयस, आपने किसी का काम कर दिया फॉर सर्टन कंसिडरेशन, आपको कुछ उससे पैसे चाहिए थे, आपने उसको काम किया, उसको पैसा देना था, अब वो पैसा आपको नहीं दे रहा है, राइट। आपसे कोई किसी ने गाड़ी ठीक करवा ली और पेमेंट दे ही नहीं रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, उनकी गाड़ी को तब तक अपने पास होल्ड करके रख सकते हो जब तक कि वो आपको आपका पेमेंट ना दे दे, इसी को हम लियन बोलते हैं। फोर्सफुली आप इस किसी भी चीज को अपने पास रख सकते हो, क्यों, बिकॉज यू वॉन्टेड टू गेन वॉट, आपको अपना पैसा चाहिए, आपको अपना पेमेंट चाहिए। सिमिलरली मैंने बताया था कि मकान मालिक अपने किराएदार के सामान को अगर किराएदार पैसा नहीं दे रहा है तो, और घर छोड़ रहा है, तो उसका जो भी सामान घर में है उसको लियन कर लेता है, ताकि वो जब पूरा रेंट क्लियर कर देगा तो अपना सामान लेके चला जाएगा। अब लियन समझ में आया, लियन बहुत जनरल टर्म है जो हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कैसा होता है, कोई किसी का पैसा नहीं देता तो उसका सामान रख लेता है, ठीक है ना, पैसा देने के बाद सामान वापस कर देता है, दिस इज लियन मीन्स, ठीक। अब लियन समझ में आएगा, आप कभी पूछूंगी तो बता सकते हो लियन का मतलब। दिव्या ऑन करो कैमरा, प्रेरणा, तानवी एंड मेघा, बार बार नहीं बोलूंगी मैं, ऑन करो, ठीक है ना, हमेशा ऑन रखो कैमरा। लियन समझ में आया मैंने क्या बताया, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट से मैं पूछूंगी, किसी से भी पूछ सकती हूँ, मेघा से, प्रेरणा से, दिव्या से, तन्वी से, किसी से भी, तो आपको आंसर
देना चाहिए। लियन का मतलब होता है कि अपने चीजों को हासिल करने के लिए कुछ ड्यू है, कुछ पैसा बकाया है, या फिर हमने किसी कंसिडरेशन के बदले दूसरे का काम किया और वो अब हमको फुलफिल नहीं कर रहा, अपना प्रॉमिस, अपना पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके सामान को होल्ड कर लेंगे। पर्पस क्या है? ताकि हम अपना पैसा उससे ले सके, राइट? सिंपल, ये लियन है। अब जनरल लियन और स्पेसिफिक लियन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक लियन मतलब क्या है? अभी मैं घर ही पहन के आना भूल गई, नहीं तो मैं उसका एग्जांपल देती। अच्छा, ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल मैंने रिपेयर करने के लिए शॉपकीपर को दिया, उसने 3000 का 2000 का बैटरी चेंज किया और ठीक कर दिया। अब मैं उसे मोबाइल लेने गई लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या कर सकता है? नहीं, आप पैसे लेकर आइए और फिर अपना मोबाइल ले जाइए, राइट, है ना, मैं तब तक आपका मोबाइल अपने पास रखूंगा। ये हो गया स्पेसिफिक लियन या पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन होता है उसी चीज के अगेंस्ट उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस चीज पर दूसरे पार्टी का सर्विस, टाइम, एनर्जी खर्चा किया गया है, स्किल खर्चा किया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे इस मोबाइल को ठीक करने में टाइम दिया उसने, अपना स्किल दिया, अपनी एनर्जी दी, तो इसी मोबाइल को वो सिर्फ होल्ड कर सकता है, बाकी किसी और चीज को नहीं। ऐसा नहीं कि मैं साइकिल से गई तो मेरा साइकिल होल्ड कर लेगा और बोलेगा कि जब पेमेंट दोगे तो अब तो साइकिल भी ले जाना, मोबाइल भी ले जाना। नो, दिस इज जनरल लियन, दिस इज नॉट पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन इज एक्सरसाइज अगेंस्ट दोज थिंग्स ओनली ऑन विच टाइम, एनर्जी, स्किल हैज बीन used. Clear? किसी को कोई confusion है? दिव्या, any confusion? No, ma'am. No, ठीक है। अब हम आते हैं particular lien तो हो गया, general lien पे। General lien में मान लो ये मोबाइल ठीक कराया, पैसे नहीं है, लेकिन दुकानदार जानता है हमको, भैया ले जाइए, बाद में हमको पेमेंट कर दीजिएगा, पर पेमेंट हम उसको दे नहीं रहे, तो इसके बाद उसके पास मेरा जो भी सामान पहुंचेगा या मेरा वो जो भी सामान देखेगा अपने कस्टडी में ले लेगा और क्या बोलेगा कि जब तक पेमेंट नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा सामान नहीं दूंगा। यानी कि जनरल लियन में आप कोई भी चीज होल्ड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही चीज होल्ड करिए जिस पर आपने अपना टाइम, एनर्जी, स्किल, जो भी टैलेंट अपना लगाया है, आप कोई भी चीज उसका होल्ड करिए जब तक कि आपका आपका पेमेंट नहीं मिल जाता या आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता है। समझ में आई बात महिमा? क्लियर है? यस मैम। गुड, और कोई क्वेश्चन? देखो, तो क्वेश्चन इसी तरह से होता है। लियन मतलब सिंपल, हम अपने, तुम कह सकते हो रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए ये काम नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है ना, जिस पर हमने अपना टाइम दिया है, एनर्जी दिया है, सब कुछ स्किल लगाया है, वो चीज पर हमको अब क्या हो, मेरा कंसीडरेशन बनता है, मेरा कुछ फी बनता है, वो फी मुझे नहीं मिल रहा है, चार्जेस नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूंगा, वो सामान ले लूंगा। अगेन दो तरह के लियन हो गए, पर्टिकुलर लियन हो गए, जनरल लियन हो गए। जनरल लियन में अच्छा, बैंक के साथ कैसा होता है, बैंक के पास नॉर्मली कौन सा राइट होता है? नॉर्मली बैंक के पास जनरल लियन का राइट नहीं, पर्टिकुलर लियन का राइट होता है नॉर्मली, ठीक है ना, क्योंकि बैंक में हमारे पास उनके लॉकर में भी हमारा सामान होता है, राइट, तो लॉकर के सामान को वो होल्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उनके पास हमने बेल किया है, सेफ कस्टडी के लिए रखा है, ना प्लेज किया है, ना लीन में रखा है, हम क्या करते हैं, बेलमेंट। अच्छा, बेलमेंट कब होता है? जब हम किसी पर्पस से कोई सामान किसी के पास रखते हैं, राइट, तो जो लॉकर में हम सामान रखते हैं वो क्या है, पर्पस है सेफ कस्टडी के लिए, तो उसको बैंक लीन नहीं कर सकती है कि हमारा लोन नहीं दे रही तो इसके लॉकर को सीज कर लो, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर मैंने लोन दिया है हाउस के अगेंस्ट और आप मेरा लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और शायद आपने घर भी नहीं खरीदा, घर भी नहीं बनाया, उस पैसे को कहीं और यूज कर लिया, तो हम उस पैसे की रिकवरी के लिए आपका कोई भी चीज ले सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो नॉर्मली जो बेलमेंट होता है, जो उनका हम उनकी लॉकर को यूज करते हैं, उस समय में वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, सर्टेन थिंग्स के लिए। लेकिन गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड लोन के अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर लियन का राइट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, गोल्ड को बेच करके पैसा अपना ले लेंगे, लियन करेंगे, नोटिस देंगे, तभी नहीं मानेगा तो गोल्ड बेच करके ऑक्शन करके अपना पैसा निकाल लेंगे। लेकिन कोई लोन है
हाउसिंग लोन है या कोई और लोन है जो आपने उनसे लिया, पर्सनल लोन लिया, प्रोफेशनल लोन लिया, कोई भी लोन लिया है, एजुकेशनल लोन लिया है, तो ऐसे में अगर आप नहीं रिटर्न करते तो कोई दूसरा सामान भी वो आपका ऑक्शन कर सकती है। समझ में आया? केसेस डिफरेंट है, राइट? ओके, अब बेलमेंट क्या है? बेलमेंट मैंने बताया किसी पर्पस से हम देते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को किसी पर्पस से सामान डिलीवर करता है। तो लियन में कोई पर्पस से अपने मर्जी से डिलीवर करता है? नहीं, वो फोर्सफुली उसको अपने कस्टडी में लेता है, जिस पार्टी को पैसा या अपना कोई भी कंसिडरेशन है वो पूरा करवाना होता है, राइट? लेकिन बेलमेंट क्या है? बेलमेंट है विलिंगली मैं अपने सामान को ट्रांसफर कर रही हूँ आप में से किसी को कि तुम इसे संभाल के रखना। तुम इसको यूज भी कर सकते हो, जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ यूज करना, अच्छे से रखना, मैं आऊंगी तो मैं वापस ले लूंगी। तो यूज के पर्पज से, सेफ कस्टडी के पर्पज से या किसी और पर्पज से जब बेलर बेली को सामान देता है तो उसको हम बेलमेंट बोलते हैं, दोनों पार्टी को बेलर एंड बेली बोलते हैं, राइट? अच्छा, बेलमेंट एंड बेलर एंड बेली के केस में क्या होता है? जब पर्पस सॉल्व हो जाता है तो सामान वापस करना होता है। अब अगेन बेलमेंट पे ऑल द टाइम इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द टाइम? कौन आंसर देगा? नो, इट इज ऑल द टाइम नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। Why? Because we have learned two types of bailment. One is gratuitous and one is non-gratuitous. तो gratuitous को क्या बोलते हैं? Gratuitous मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप gratitude show कर रहे हैं, मतलब आपके लिए कोई काम कर रहा है, you have to be grateful, ठीक है ना, towards that. तो अगर आपको किसी ने सर्विसेज दी, कोई आकर के इलेक्ट्रिशियन आपका सामान ठीक करके चल जाता है, राइट, तो क्या हो गया? Gratuitous act हुआ ना, वो किसी कंसीडरेशन के बदले में काम करता है, राइट? तो सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। थैंक यू तो बोलेंगे ही, साथ ही पेमेंट भी करेंगे। नॉन ग्रैटिट्यूड, बगल में कोई हमारा पड़ोसी है या हमारे घर का आदमी है जो ऑलरेडी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में परंगत है, हमारा कंप्यूटर में कुछ हैंग हो गया, आकर के दो चार बार कुछ किया, ठीक हो गया, ठीक है ना, एक बार फॉर्मेट मार दिया, ठीक हो गया, ठीक है, ये मेरे पड़ोसी है, मेरे भाई है, मेरे रिलेटिव है, मेरे जान पहचान के हैं, उनको पेमेंट करने की जरूरत है? No, नहीं ना। तो ऐसे बेलमेंट भी दो तरह का होता है, ग्रैटिट्यूड एंड नॉन ग्रैटिट्यूड। नॉन ग्रैटिट्यूड जहाँ पे ग्रैटिट्यूड की जरूरत नहीं होती, किसी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती, वो कंसीडरेशन से फ्री होता है, उसको हम नॉन ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। उसमें आपको कंसीडरेशन नहीं पे करना होता है, तो वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में चलता है ये वाला बेलमेंट। एंड ग्रैटिट्यूड जहाँ आपको काम के बदले में कुछ कंसीडरेशन देना है, जैसे कि आपने किसी को कोई जगह स्पेस दिया, ठीक है ना, बेल किया, या फिर आपने किसी को कोई सामान यूज करने के लिए दिया, जैसे हमने हायर में हम देते हैं, ठीक है ना, तो पर्पस पूरा होने के बाद वो सामान, हायरिंग मतलब समझते हो ना, मोस्टली वी गो टू गोवा और सम अदर डेस्टिनेशन, वी हायर टैक्सी और बाइक, अगर हमको चलाने आता तो हम हायर कर लेते हैं, खुद से घूम लेते हैं, राइट? तो हायर के बाद वी हैव टू पे रेंटल, जो भी होता है पर डे का वो हम पे करते हैं, इस बेसिस पे होता है, तो क्या हो गया? वो ग्रैटिट्यूड हो गया, वो नॉन ग्रैटिट्यूड नहीं रहा, यहाँ पर आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए देर आर सर्टन बेलमेंट विच इज ग्रैटिट्यूड एंड सर्टन बेलमेंट विच इज नॉन ग्रैटिट्यूड। नॉन ग्रैटिट्यूड में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, ग्रैटिट्यूड में आपको पेमेंट करना है, ठीक है? और बताओ, और कुछ? और भी दो तरह का बेलमेंट मैंने बताया था, क्या था वो दोनों? ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, नहीं, बेनिफिट्स। हाँ, वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। क्या क्या था ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट? एनीबॉडी? वेरी गुड, कम से कम एक चीज तो यार। बेनिफिट्स, वेरी बेली। हाँ, दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। बेनिफिट ऑफ बेलर, दो ही का होगा बेनिफिट, या तो बेलर का होगा या फिर बेली का होगा, राइट? तो जब बेली का ही सिर्फ हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको? एक को ही बेनिफिट हो रहा है। जब बेलर का ही होगा तो भी एक ही पार्टी को हो रहा है, और कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, दोनों ही पार्टीज को
बेनिफिट होता है बेलर को भी एज वेल एज बेली को। कोई एग्जाम्पल जहां दोनों को ही बेनिफिट होता हो जल्दी बताओ। यस सोच के बताओ, ये सब सोचने वाली चीज है। बहुत अच्छी बात है आपने बताया बेलमेंट एक और तरह का होता है बेलर और बेली के लिए। तो जो बेनिफिट दोनों के लिए हो उसका एग्जांपल दो जल्दी से सोच करके। श्रेयस मैम जैसे या बोलो जैसे मैंने एक कार हायर किया मतलब कहीं जाने के लिए तो मैं और सुयस भी जाएंगे बेलर मतलब एक कार हायर किया उसका ड्राइवर मतलब कोई बी है तो वो भी जाएगा और मैं भी जाऊंगी तो उसका बेनिफिट दोनों को होगा बेली और बेलर को भी। शाबाश। कोई भी ऐसी चीजें कोई भी ऐसी सर्विसेज जिससे जैसे घड़ी बनवाया तो घड़ी का डिलीवर करने का पर्पस था कि उसने वो घड़ी मेरा ठीक करेगा और मेरा क्या उसको क्या फायदा होगा उसको उसके बदले में चार्जेस भी लेंगे ठीक है ना जो भी वो सर्विस टैक्स लेगा चार्जेस लेगा वो उसको मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने एक डिलीवरी हुआ कस्टमर ने अपने घड़ी डिलीवर किया वॉचमेकर को वॉचमेकर क्या करेगा उस घड़ी को ठीक करेगा और मुझे वापस दे देगा। मेरा काम पर्पस सॉल्व हो गया कि मेरा घड़ी ठीक हो गया वॉचमेकर का पर्पस सॉल्व हो गया कि वॉचमेकर को पैसा मिल गया। तो यहाँ पे दोनों ही म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट थ्री टाइप्स वन फॉर द ओनली बेनिफिट ऑफ द बेलर अनदर इज ओनली बेनिफिट ऑफ बेली एंड थर्ड इज बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली राइट। अच्छा और मैंने ग्रैटिजुअस नॉन ग्रैटिजुअस बोला ग्रैटिजुअस में पेमेंट नहीं करना होता है और नॉन ग्रैटिजुअस में नॉन ग्रैटिजुअस में करना होता है राइट याद रहेगा यही बताना मैंने। नॉन ग्रैटिजुअस यानी जो सिर्फ ग्रैटिजुअस नहीं जहां पे आपको पैसा देना है ग्रैटिजुअस जहां पे दोस्ती है रिलेशन है जान पहचान है जहां पे पैसे का कोई बात नहीं है वहां पे आपको पे नहीं करना है राइट ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तुम लोगों को नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ कंफ्यूजन हो पूछना हो तो वो पूछ सकते हो आज नहीं है तो नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के रखना ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नेक्स्ट क्लास में हम उससे पूछ सकते हैं आप लोग पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन जरूर होगा मुझे मालूम है ठीक है ना। नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो आप मर्केंटाइल एजेंट हाँ व्हाट इज अ मर्केंटाइल आपने क्या बोला मर्चेंटाइल नहीं होता मर्केंटाइल एजेंट अच्छा ठीक है मर्केंटाइल का मतलब क्या समझते हो जल्दी एनीबडी मर्केंटाइल का मतलब किसको बोलते हैं मर्केंटाइल या मर्चेंट। मर्चेंट तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बोलते हैं। तो वो एजेंट जो बिजनेस पर्पसेस से हायर किया जाता है जो आपके सामान को आपसे लेकर के आपके बिहाफ पे बेच रहा है और पैसे अर्न कर रहा है उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलेंगे। समझ में आया वो उसका कमीशन उसका होगा और प्रॉफिट ओनर का होगा जिससे सामान लेकर के वो बेच रहा है उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलेंगे राइट। और कुछ नहीं ठीक है। आई होप कि नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास क्वेश्चन हो अभी हम इस बीच में यही सब करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाद में लेकिन उससे पहले आपका मार्क्यू है तो मार्क्यू से पहले अगर ऐसी क्लासेस होगी तो आपका तैयारी भी होगा और आप पढ़ेंगे भी नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे मुझे मालूम है। तो तानवी अभी भी आपका कैमरा ऑन है बाकी सबका ऑन है आपका ऑफ है अभी भी ठीक है। मैं अटेंडेंस अभी बना लेता नहीं ऑन नहीं था अभी भी नहीं इनफैक्ट अभी भी तुम दिख नहीं रही हो मुझे ये कैसा ऑन किया पता नहीं चल रहा है ठीक है एक सेकेंड मैं अटेंडेंस बना लेती हूँ। अभी जो बताया वो समझ में आया श्रेयस तुम भूल जाते हो क्या क्योंकि तुम तो रोज क्लासेस करते हो कॉलेज आके। मैम एक बार रिवाइज करना बाकी रह जाता है मैम इसलिए कुछ चीजें मैंने कहा ना इतने अच्छे से समझो कि रिवाइज भी ना करना पड़े आपको। टुडे इज थर्ड ना यस मैम इतने अच्छे से समझो जैसे लियन प्लीज बेलमेंट इसमें कुछ रिवाइज करने की जरूरत ना नहीं पड़नी चाहिए। लियन समझ लो ना जबरदस्ती रोक के रख लिया अपना सामान किसी का दावा नहीं दे रहे हैं। प्लेज मतलब हमने जानबूझकर अपना कोई सामान वैल्यूएबल सामान आपको दिया है ताकि आप उसके अगेंस्ट मुझे लोन दे सके ठीक है ना
तो सिक्योरिटी पर्पस होता है प्लेज का, और बेलमेंट का सेफ्टी हो सकता है, यूज हो सकता है या कोई और पर्पस हो सकता है, और लीन होता है फोर्सफुल टेकिंग कस्टडी ऑफ समथिंग टू फॉर द पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ द ड्यू. समझ में आया? समझ में आया? यस मैम. ओके, जो बच्चे प्रेजेंट है बस वो अपना रोल नंबर बोलो एक एक करके. रोल नंबर 3. ओके, रोल नंबर 3. यस, रोल नंबर 10. ओके, 10. और 18. हाँ, 19 मैम. 19. ओके, 3 हो गया. और बताओ. रोल नंबर 24. रोल नंबर 24. यस, और कोई है? बस हो गया मैम. रोल नंबर 13 भी है मैम. 13 है और बस. ठीक है ना, 4 तो बन ही चुका है. ओके, मैम फोर्सफुल पोजेशन ऑफ द गुड्स हो जाता है ना मैम लियन तो. एक मिनट, रोल नंबर 13 का बना लो, फिर तुमसे बात करती हूँ. या हो गया. अब पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम? मैम जैसे लियन को मैम हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, फोर्सफुल पोजीशन ऑफ द गुड्स. यस, फोर्सफुल पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कि किसके पोजीशन में, किसके पोजीशन में गुड्स है, जिसको उससे अपना, जिसको भी अपना ड्यू रिकवर करना है, अपना कंसिडरेशन फुलफिल करवाना है, राइट, उसके पोजीशन में वो फोर्सफुली उसके पास रहेगा. फोर्सफुल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू दैट पार्टी हु हैव टू कलेक्ट और प्रोक्योर ड्यू फ्रॉम द अदर पार्टी. ड्यू मतलब जो भी उसका बनता है, ठीक है ना, वो लेना ही लियन कहलाता है. ठीक है, ओके. चलो ठीक है, अब मैं एंड करती हूँ. प्लस निकिता कुमारी शायद अभी आ रही है. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम.